हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए सब्जी कितनी टेस्टी है। ये भरवा बैंगन है और इसे अलग तरह से बनाया है। इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। भरवा बैंगन तो हर कोई बना लेता है, लेकिन आप एक बार इस तरह से भी बना के देखिए। आपको यकीन मानिए, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। पहले हमें इस तरह के बैंगन बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम तैयारी करते हैं मसाले की। तो हमने मसाले में लिए हैं, पहले हमें गीला मसाला तैयार करना पड़ेगा ग्रेवी के लिए। तो पहले हम टमाटर ले लिया एक बड़ा साइज़ का, उसे भी काट लिया। और इस तरह का एक छोटा प्याज ले लिया है। और मैंने 6 कली लहसुन के लिए है, 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं, और हरी मिर्च ली है, 1 हरी मिर्ची, और इस तरह के बैंगन ले लिए हैं। जैसे छोटे वाले बैंगन आते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है इस बैंगन का, क्योंकि हमें इसे बीच में से काटना पड़ेगा और इसी में मसाला भरना है। तो चलिए हम ग्रेवी के लिए मसाला बना लेते हैं। तो पहले हम प्याज डाल देंगे। प्याज डाल देने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 कली लहसुन की। 3 कली मैंने बचा लिए क्योंकि दूसरा मसाला बनाएंगे उसमें लहसुन काम में आएंगे। अब हम डाल देते हैं 2 अदरक के टुकड़े, वो भी हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए अब हमें डाल देना है इसमें टमाटर। टमाटर डाल के इसका हमें एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट को इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसे हम एक तरफ रख लेते हैं, हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब जो मसाला हमें बैंगन के अंदर भरना है हम वो बना लेते हैं। तो मैंने इस तरह का कूटने का इस्तेमाल किया है, आप चाहते से मिक्सर भी बना सकते हैं। 3 कली जो लहसुन की बची थी वो मैंने इसमें डाल दी है। ये मैंने 2 चम्मच के करीब तिल्ली ली है, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए तिल्ली भी इसमें डाल देते हैं। नॉर्मल तिल्ली, इसे सेका नहीं है, ऐसे ही हमने 2 चम्मच तिल्ली डाल दी है। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच खोपरे का बूरा। अगर आपके पास तिल्ली ना हो या पसंद नहीं करते हो तो आप मूँगफली के दाने का इस्तेमाल कर लें। ये देखिए 2 चम्मच खोपरा ले लिया है, जो मार्केट में आराम से मिल जाता है वही खोपरा है, तो वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल लेंगे। तो मसाले में हम डाल लेते हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, इसमें पूरी 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया है। 1 चम्मच धनिया था तो इसमें से हम आधा धनिया पाउडर डाल देंगे। आधी चम्मच के करीब धनिया पाउडर ले लिया है, आधे चम्मच से थोड़ा और कम हमने हल्दी ले ली है। और ये इतना ही हमने, जितनी हल्दी का इस्तेमाल किया उतना ही हमने गरम मसाला ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच के करीब चाट मसाला, और आधा चम्मच से भी थोड़ा कम काली मिर्च पाउडर, या मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार भी ले सकते हैं। पहले मैं नमक डाल लेती हूँ, नमक टेस्ट के अनुसार ले लें। और काली मिर्च भी इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए अब हमें इसे अच्छे से कूट लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में कूट लें, लेकिन मिक्सी जार में पानी नहीं होना चाहिए, इसका सूखा मसाला चाहिए हमें। तो इस तरह से आप इसे कूट लें। ये देखिए अच्छे से कूट गया है, पिस गया है, हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मसाला तो हमने बना लिया है। अब बैंगन को हमें काट लेना है। तो बैंगन को पहले हम ऊपर के हिस्से को निकाल देते हैं, और जिस तरह से हमने ऊपर का हिस्सा निकाला इसी तरह से हम नीचे की तरफ से भी निकाल लेंगे। बिल्कुल छोटा सा कट लगा के इस तरह से दोनों तरफ से एक जैसा गोल शेप में काट लें, और फिर इसे बीच में से हमें काट लेना है। इसके 2 पीस करने हैं हमें बैंगन के। देखिए इस तरह से बीच में से हम कट लगा देंगे। ये देखिए अब हमें इसे काट लेना है। इसे काटने में थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि बिल्कुल नीचे तक ना काटना है, आपको बिल्कुल नीचे तक नहीं काटना है बैंगन को, सिर्फ बीच में ही काटना है, ताकि बीच में से बैंगन जुड़ा रहे, अलग अलग नहीं हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा आधा इंच का हिस्सा मैंने छोड़ दिया, और फिर उसके बीच में मैंने इसे कट लगाए हैं। इसी तरह से दोनों तरफ मैं बीच बीच में कट लगाती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से हो जाएगा, मतलब आपको बिल्कुल नीचे तक बैंगन को नहीं काटना, सिर्फ बीच बीच में ही कट लगाने हैं इस तरह के। इस तरह से मैं पूरे में कट लगा लेती हूँ। देखिए अच्छे से कट लग गया। अब हमें अब इस बैंगन को हमने पहले आड़ा काटा था, अब हम इसे खड़ा करके इस पर कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह का कट लग गया है। आप चाहे तो सिंपल इसी तरह का कट लगा ले अगर आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, वरना आप इस तरह से भी कट मार सकते हैं। मैं 2 तरह से कट लगाऊंगी इसमें। पहले मैंने ऐसे सीधे कट लगाए थे, अब मैं आड़े कट लगा देती हूँ। ये कट भी हमें ऐसे लगाना है कि बीच में नीचे बैंगन नहीं टच हो, सिर्फ बीच बीच का हिस्सा ही कटे, ताकि बैंगन जुड़ा रहे और सिर्फ इस बीच में से हिस्सा आपको अच्छे से खुला हुआ दिखे और बैंगन जुड़ा भी रहे। इस तरह से इस बैंगन में हमें कट लगाना है, चटाई नहीं होती उस तरह का दिखने लग जाएगा कुछ बैंगन जब आप इसे थोड़ा सा खोलेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह का कट लगाना है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, आराम से हो जाता है ये। अब इसके अंदर हमें भर लेना है मसाला। अगर आप बैंगन के साथ पनीर पसंद करते हैं तो आप पनीर की मसाला बना के भर ले, या बेसन का मसाला भर ले इसमें। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच चीनी। चीनी अगर आपको पसंद हो तो ही आप डालें, अगर आप चीनी बिल्कुल सब्जी में पसंद नहीं करते तो आप इसको अवॉइड कर दें, बिल्कुल भी ना डालें।
अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये थोड़ा सा भुरभुरा मसाला है, तो अगर हम बैंगन में ऐसा मसाला भरेंगे तो मसाला बाहर बिखरेगा। तो ऐसे हम 2 चम्मच पानी डाल लेंगे, देखिए छोटी सी 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है, उसी से हम पानी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से भर जाए और भरने के बाद ही अंदर सेट रहे, बिखरे नहीं ये मसाला। अब ये मसाला हमें भर लेना है बैंगन में। आप बैंगन हाथ में ले लें और इसकी एक एक परत आप धीरे से खोलते जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा जोर से खोलेंगे तो बैंगन टूट जाएगा बीच में, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी परत खोलते जाएं और इसमें मसाला इस तरह से भरते जाएं। बस आपको जितनी भी परतें हैं सब में मसाले को अच्छे से भर देना है, अच्छे से फिल कर देना है ताकि मसाला बिल्कुल भी निकले नहीं, अच्छे दबा दबा के। और मसाला थोड़ा गीला हमने इसीलिए किया है कि मसाला इसके अंदर सेट रहे, निकले नहीं। सूखा मसाला होगा तो निकल जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरा बैंगन भी भर लूँगी, तैयार कर लूँगी। जब बैंगन दोनों अच्छे से भर जाएंगे, ये देखिए इस तरह से बैंगन तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर ले या शेलो फ्राई कर ले, तो मैं इसे सिर्फ शेलो फ्राई ही करूँगी। बीच बीच में आप थोड़ा सा खोल के देख लें, अगर कहीं मसाला नहीं भरा है तो आप उसमें मसाला और भर दें। जितना मसाला मैंने बनाया ये एक बैंगन के लिए, एक बैंगन इसमें आराम से मसाला भर जाएगा। ये देखिए अच्छे से दोनों बैंगन मैंने तैयार कर लिए हैं। तो हम एक पैन रख देंगे गैस पे, उस पर हम थोड़ा तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद जब तेल हल्का गर्म हो जाएगा तब हम बैंगन रख देंगे। और आँच आपको बिल्कुल धीमा रखना है क्योंकि हमें दोनों तरफ से बैंगन पका हुआ चाहिए। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें बैंगन रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप बैंगन को रख दें और इसे ढक्कन से ढक दें। बीच बीच में आप पानी के छींटे देते रहें ताकि अच्छे से पक जाए। ये देखिए बीच बीच में आप 1-1 चम्मच पानी के छींटे डालते रहें तो एक दिन अच्छे से पक जाएगा। जब तक बैंगन हमारा पक रहा है हम मसाले की तैयारी कर लेते, तो हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो पहले इसीलिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर, उस पर तेल डाल दिया 1 चम्मच। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे हींग। हींग डाल देने के बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा। ये देखिए जीरा जब अच्छे से तड़क जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची जो हमने बारीक बारीक काट के रखी थी। हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था, शुरू में जो हमने पेस्ट बनाया था। और साथ में हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपको इस समय तेल में ही डालना है। अब आप मसाला डाल दें पिसा हुआ, देखिए पूरा मसाला इसमें डाल दें। अब इसमें सूखे मसाले डाल देंगे हम थोड़ा सा मिक्स करके। सूखे मसाले में बहुत ज़्यादा मसाले आपको इसमें डालना नहीं है, बहुत कम मसाले जाएंगे लेकिन टेस्ट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो जो हल्दी बची थी वो इसमें हम डाल देते हैं, जो धनिया बचा था वो हम इसमें डाल लेते हैं, नमक भी डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार। इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च, जो काली मिर्च बची थी वो भी इसमें डाल देते हैं, वो भी 1/2 चम्मच के करीब है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस मसाले को हमें थोड़ी देर पकने देना है। अब हम बैंगन भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैंगन अच्छे से पक गए हैं दोनों तरफ से। अब हम गैस बंद कर दिया हमने और हम मसाला देख लेते हैं। मसाला भी पक गया है, इसे हम एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जो हमने बैंगन बनाया आप चाहे तो उसे ऐसे भी ले सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी में ना डालना हो तो ऐसे भी इसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। और ग्रेवी के साथ बना चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। गरम मसाला 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत से लोगों को ग्रेवी में दही पसंद होता है तो आप चाहे तो इसमें दही मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसे थोड़ा सा हमें ग्रेवी में लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा ही पानी डालना है तो इस तरह की ग्रेवी हो जाएगी। देखिए ये बनके एकदम तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह की प्लेट की आप देख सकते हैं, मैंने प्लेट में पहले ग्रेवी ले ली है, मैंने बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं की है। इसी तरह का ग्रेवी का मसाला चाहिए। और जो बैंगन हमने बनाया वो आप इस तरह से इसमें रख दें क्योंकि ऊपर का मसाला अलग है नीचे का मसाला अलग है। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे फुलके के साथ ले सकते हैं, आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आप चाहे तो इसमें हरा धनिया डाल दें बारीक बारीक काट के, या हरी मिर्ची डाल दें। सब्जी तो हमारी बनके एकदम तैयार है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।